हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं 5.3 का कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोगों ने 5.1 और 5.2 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, और जितने भी बच्चे इस 5.3 को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा 5.1 और 5.2 को अच्छे से आप समझ लीजिए। जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ उस एक्सरसाइज में सीखे थे, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हम लोग यहाँ पे हेल्प करेंगे आपके। अब हम लोग यहाँ पे आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या टॉपिक है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोगों ने 5.1 या 2 जब स्टार्ट कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सीक्वेंस का। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या? सीक्वेंस का। क्या कॉन्सेप्ट था वो हम लोग अच्छे से समझते हैं फिर से। सीक्वेंस हम लोग किसको बोलते थे ये हम लोग को आई थिंक याद होगा कि व्हाट इज सीक्वेंस। तो अगर नंबर्स को हम लोग कोई पर्टिकुलर डिफरेंट ऑर्डर में अगर अरेंज कर रहे हैं, या तो वो ऑर्डर इंक्रीजिंग हो सकता है या वो ऑर्डर डिक्रीजिंग हो सकता है, और एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है वो, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि दैट इज द नंबर्स आर इन सीक्वेंस। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल क्या लिया था, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो हम लोगों ने ये समझा था कि ये सीक्वेंस का ये सारे टर्म्स हैं और ये डिफरेंट ऑर्डर में फॉलो कर रहे हैं। इस ये क्या है, डिफरेंट ऑर्डर में लिखे हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे अरेंज है वो सारे नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स है, पता है हम लोग को। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सीक्वेंस को समझने के बाद जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन क्या है, एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो किया जाता है, और उसके एनएच टर्म मतलब उस सीक्वेंस के कोई भी टर्म को हम लोग विद फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर सकते थे। और हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा, एनएच टर्म का क्या फॉर्मूला था, एन इज इक्वल टू या टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि अगर हम लोग यहाँ सीक्वेंस को समझते हैं फिर से, अगर ये सीक्वेंस के सारे टर्म्स हैं जो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, और जितने भी नंबर्स हैं सारे प्राइम नंबर्स हैं, बट मैं अगर बोलूं कि इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स को अगर मैं ऐड करना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 और जितने भी नंबर्स इसमें होंगे। अगर 17 तक है तो 17 तक ही हम लोग लेंगे। तो अब देखिए जब हम लोग सीक्वेंस के सारे टर्म्स को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो अब ये सीक्वेंस जो है अब ये क्या बन जाएगा, हमारा सीरीज। क्या बन जाएगा? सीरीज। क्लियर हो रहा है? अगर सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं अगर उस सारे टर्म्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन ऑफ द टर्म्स ऑल द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि सीरीज क्या है। अगर हम लोग सीक्वेंस के सारे टर्म्स को ऐड करते जा रहे हैं, तो ऐड करने से वो क्या बनता है, सीरीज। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये सीक्वेंस इन सीरीज का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का एक कॉन्सेप्ट है। क्लास 11 में जब हम लोग जाएंगे तो फिर से हम लोग ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, बट वहां पे जो कॉन्सेप्ट होगा वो सीक्वेंस इन सीरीज का होगा, और हम लोग वहां पे तीन टाइप के प्रोग्रेशन को पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो वहां पे तीन टाइप को कवर करेंगे। क्लास 10 में जो हमारा सिलेबस है वो सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, सो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छे से समझते हैं। सो ये पॉइंट सीक्वेंस और ये कॉन्सेप्ट सीरीज आई थिंक अगर आपको समझ में आ चुका है, तो हम लोग इस एक्सरसाइज 5.3 में एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, सम ऑफ एनएच टर्म। अगर इस मान लीजिए एक प्रोग्रेशन दिया रहेगा हमारे पास, एपी दिया रहेगा, उस एपी में फर्स्ट टर्म भी होगा, सेकेंड टर्म होगा, तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और उस सीरीज का लास्ट टर्म होगा या तो फिर लास्ट टर्म दिया रहेगा, या हम लोग निकाल भी सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके थ्रू, उस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि उस एपी के सारे टर्म्स का सम कितना होगा वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम ऑफ एनएच टर्म ऑफ एन एपी। तो अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 का एक फॉर्मूला समझेंगे, सम ऑफ एनएच टर्म ऑफ एन एपी।
हम लोग यहाँ पे 5.3 में एक यूनिक फॉर्मूला यूज करेंगे, एनएच टर्म का जो फॉर्मूला था एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया हम लोग को कॉन्सेप्ट सारा। अब हम लोग यहाँ पे एक एपी के एनएच टर्म तक का सम कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वो हम लोग समझते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एपी के जनरल टर्म्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। एपी का जो जनरल टर्म्स होता है हम लोग को ऑलरेडी पता है, उसके जनरल टर्म्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ओके। इसके बाद सारे टर्म्स ऐसे कंटिन्यू रहते हैं और उसके लास्ट टर्म को हम लोग एनएच टर्म में बोलते हैं, और एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम लोगों ने समझा है। इस एपी के जनरल टर्म्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये ए प्लस एन माइनस वन डी हमारा क्या है, एनएच टर्म और लास्ट टर्म। उस एपी का लास्ट टर्म को भी हम लोग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही लिखते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं इस एनएच टर्म के जगह पे मैं यहाँ पे एल लिखूं, कोई प्रॉब्लम है आपको? अगर मैं इस एपी के सारे जनरल टर्म्स को ऐसे लिखूं बट उसके लास्ट टर्म को मैं क्या लिख रहा हूं, एल लिख रहा हूं, एक ही चीज है, एल के जगह पर मैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लिख सकता हूं और उसके जगह पर मैं एल भी लिख सकता हूं। तो ये हमारा जनरल टर्म्स हो गया एक एपी का। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? अगर मैं बोलूं कि इस लास्ट टर्म के पहले एक टर्म आप बताइए मुझे, तो वो लास्ट टर्म के पहले क्या एक टर्म होगा, एल माइनस डी, क्या टर्म होगा, एल माइनस डी। इसके बाद अगर मैं बोलूं इस एल माइनस डी के पहले भी एक टर्म है एपी में, उस टर्म को आप बताइए, वो टर्म क्या हो जाएगा, एल माइनस टू डी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ऐसे सारे टर्म्स अरेंज होंगे, क्लियर हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं, हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा कि सीक्वेंस क्या होता है, तो सारे नंबर्स जो होंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे और एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं वो एक सीक्वेंस में है, एक प्रोग्रेशन में दिया गया है। अगर मैं इस सारे टर्म्स को ऐड करूं तो एक सीरीज का फॉर्मेशन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारे टर्म्स को अरेंज करके ऐड करता हूँ, ओके। तो मैं कोशिश करता हूँ सारे टर्म्स को ऐड करने का। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं सारे टर्म्स को ऐड करूंगा तो यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, डॉट 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 लास्ट टर्म क्या गया, एल, और ये एल ही हमारा क्या, एनथ टर्म है। तो हम लोग जो सम निकाल रहे हैं, जो एडिशन कर रहे हैं, वो कहां तक जा रहा है, एनथ टर्म तक। ये हम लोग जो एडिशन कर रहे हैं इस सारे टर्म्स का, वो लास्ट जो टर्म है वो हमारा क्या, एनथ टर्म होगा, ये लास्ट टर्म बोलते हैं उसको। तो हम लोग सम जो लिखेंगे उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एस ऑफ एन, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस ऑफ एन मतलब सम ऑफ एनथ टर्म। ये यहाँ पे आप समझ लीजिए, एनथ टर्म का जो सम होता है हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस ऑफ एन से। तो एस ऑफ एन क्या है, सम ऑफ एनथ टर्म, एनथ टर्म तक के, एपी के एनथ टर्म तक के सम का वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ। तो हम लोग यहाँ पे देखिए एस ऑफ एन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ए प्लस ए प्लस डी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस डॉट 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 डॉट, सारे टर्म्स में कंटिन्यू है। यहाँ पे लिखेंगे एल माइनस डी प्लस एल माइनस सॉरी एल माइनस टू डी प्लस एल माइनस डी प्लस एल, यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हम लोग को ऑलरेडी पता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे वन प्लस टू प्लस थ्री लिख रहा हूँ, ठीक है, वन प्लस टू प्लस थ्री, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो आंसर आएगा वो सिक्स आएगा। तो मैं सिक्स को ऐसे थ्री प्लस टू प्लस वन भी लिख सकता हूं। ये हम लोगों को पता है कि एडिशन जो है, अगर ऑर्डर चेंज करे कोई उससे डिफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम लोग सिक्स को वन प्लस टू प्लस थ्री और सिक्स को थ्री प्लस टू प्लस वन भी लिखते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं कि एडिशन में ऑर्डर को चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम लोग सिंपली, अगर मैं बोलूं यहाँ पे एस ऑफ एन को, अगर इसके ऑर्डर को मैं चेंज कर लू, ठीक है, उसके लास्ट टर्म को मैं पहले लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे देखा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पहले लास्ट टर्म लिख रहे हैं, इसके बाद सेकेंड लास्ट टर्म, उसके बाद थर्ड लास्ट टर्म एल माइनस टू डी प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमारा जो फर्स्ट टर्म था, सॉरी, जो यहाँ पे थर्ड फर्स्ट टर्म था,
वो हो जाएगा a प्लस डी टू डी, सॉरी इसके बाद क्या जाएगा a प्लस डी, और हमारा जो फर्स्ट टर्म था वो अब लास्ट टर्म बनेगा, यहां लिखेंगे प्लस a। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? पहले हम लोगों ने यहां पे sn जो लिखा सारे एक ऑर्डर में लिखा, हम लोगों ने फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस डॉट डॉट थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट एंड लास्ट। उसके बाद हम लोगों ने उसके ऑर्डर को चेंज किया, तो लास्ट सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट प्लस डॉट डॉट सेकंड थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। ये थर्ड टर्म है हमारा, ये सेकंड टर्म है, और ये हमारा फर्स्ट टर्म है। अब मैं इन दोनों ही सीरीज को, अब ये सीक्वेंस में नहीं रहा, ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है सीरीज में, तो अगर मैं इस दोनों ही सीरीज को ऐड कर रहा हूं तो देखिए ऑन एडिंग हम लोग को क्या मिल रहा है वो हम लोग समझते हैं। ऑन एडिंग हम लोग को क्या मिलेगा, एस एन और एस एन कितना हो जाएगा, टू एस एन। देखिए एस एन और एस एन अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, टू एस एन इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ए और एल इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म ऐड होगा, ये हो जाएगा ए प्लस एल, क्लियर हो गया प्लस। फिर यहां पे देखिए a प्लस डी और यहाँ l माइनस डी को ऐड करेंगे तो ये माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल, क्या बचेगा a प्लस एल, फिर से वापस आएगा a प्लस एल प्लस। फिर यहाँ पे a प्लस टू डी और यहाँ l माइनस टू डी, अगर इन दोनों को ऐड करें तो भी आंसर वापस आएगा a प्लस एल, दिख रहा आपको 2d और 2d कैंसिल होगा प्लस माइनस प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें सारे टर्म्स ऐसे ही चलेंगे। अब मैं इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड करूं तो l माइनस टू डी और a प्लस डी, फिर से ऐड करूंगा तो a प्लस एल ही आएगा। फिर यहाँ पे लास्ट सेकंड लास्ट और सेकंड टर्म को ऐड करूंगा फिर से ए प्लस एल आएगा, और इसके बाद लास्ट और फर्स्ट टर्म को ऐड करूंगा फिर से वापस ए प्लस एल ही आएगा। एक और यहां तक, तो यहां पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों ही सीरीज के सम को निकाला, तो आ रहा टू एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल डॉट 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 ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल। अच्छा यहाँ पे हम लोग सम निकाल रहे हैं, वो सम कहां तक जा रहा है, एक्चुअली वो सम हमारा nth टर्म तक जा रहा है, तो सम ऑफ nth टर्म और यहाँ पे जो क्वांटिटी देखिए सेम है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि n इंटू ए प्लस एल। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट ये n टर्म्स तक अगर जाता है या n टाइम्स तक जाता है तो इसका जो सॉल्यूशन है जो एडिशन आएगा वो n तक ही आएगा, n आएगा, तो हम लोग को ये पता है कॉन्सेप्ट। तो हम लोग यहाँ पे देखिए अगर ये ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल कहां तक जा रहा है, वो टर्म्स n टर्म्स तक, क्योंकि हम लोग सम किसका निकाल रहे हैं। देखिए हेडिंग क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ nth टर्म, तो nth टर्म तक का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू ए प्लस एल। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है तो फिर से यहाँ देखिए, तो sn का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ये sn को sn लिखा ये 2 कहां जाएगा, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस एल। क्या लिखेंगे, sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस एल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ये पता है कि l का जो वैल्यू है वो क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम लोग को पता है लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट ऑफ a के जगह पे a लिखा हम लोगों ने प्लस l के जगह पे क्या ये वैल्यू पुट करेंगे वापस, हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे देखिए ये a और a क्या है, एड हो रहा है, इस a और a को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2a, वो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस a को 2a, तो ये sn इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस एल, वो लास्ट टर्म जब दिया रहेगा तब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट जो जनरल टर्म्स में जनरल जो क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो इस फॉर्मूला से बनेगा। तो इस फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि हम लोग एक एपी के सम ऑफ nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ये फॉर्मूला यहाँ तक बना है वो हम लोग ने यहाँ पे समझ लिया है। आई थिंक यहाँ पे जो डाउट होगा आपका सब क्लियर हो गया होगा, ये जो फॉर्मूला sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इनटू 2, ये फॉर्मूला कैसे आया, यहाँ हम लोग फॉर्मूला का डेरिवेशन देख लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन को देखेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने के लिए।
मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप इसको पहले अच्छे से एक बार कॉपी कर लीजिए, और थोड़ा सा भी अगर डाउट हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप फिर से स्टार्ट करिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3।